तो नॉलेज मिस्को के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर पे बात करते हैं, जो कि हमने चैप्टर अपना जो नया लिया हुआ है आज आप लोगों के लिए अलग है ना, तो वो सारा से रिलेटेड है ना वो मेट्रो से रिलेटेड है। तो आज हम बात करते हैं अपने कानपुर बस स्टैंड की। तो जो कानपुर का बस स्टैंड जो हमारा है वो बहुत ही नामी गिरामी हमारा बस अड्डा बन चुका है। आज की डेट में अगर किसी से भी आप बात करें तो वो फट से आपको बताएगा कि हमारा जो बस स्टैंड है कानपुर का वो कहाँ पे है। तो बात करते हैं हम अपने बस स्टैंड की। तो बस स्टैंड जो हमारा बना हुआ है वो हमारा जो टाटविल चौराहा है उसी के लगे हुए हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय जो बस स्टैंड बना है कानपुर का, तो वहाँ पे हमारा स्थित है। और चूँकि अभी तक अगर आप बस स्टैंड की अगर हालत को देखते थे तो इतनी दयनीय अवस्था में थी कि आदमी को अगर बस स्टैंड के लिए बोलो तो वहाँ जाने से भी कतराता था। चूँकि उसका एक रीज़न था कि वहाँ पे जो अर्थव्यवस्था जो वहाँ की थी, जो देख रेख थी, आने जाने के जो जिस तरीके के साधन थे वहाँ पे इतना जाम लग रहा था कि लोग वहाँ पे जाने से कतराते थे। वो दूसरे साधनों से चले जाते थे लेकिन बस अड्डे पर नहीं जाते थे। लेकिन इधर कुछ सालों में जो हमारा कानपुर का बस स्टैंड है उसकी हालत इतनी सुधर गई है जब से हमारी सरकार ने इस पर ध्यान दे दिया है। तो आज की डेट में जो हमारा बस स्टैंड है वो इतना अच्छा हो गया कि अगर आप जाते हैं तो आपको ये लगता ही नहीं है कि हम कानपुर के बस स्टैंड पे बैठे हुए हैं। क्योंकि अब यहाँ पे सारी चीज़ें हाईटेक कर दी गई हैं, ऑलरेडी जगह जगह पे कैमरे लगा दिए गए हैं, बसों का जो आवागमन है एक रूट से दूसरे रूट से होते हुए बसें जाती हैं, जो कि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। पहले कोई भी बस आती थी, पता चला दूसरी बस भी जा रही है और वहीं बीच में वो रुक जाती थी क्योंकि ना उसको निकलने की जगह मिल रही है ना आने वाले को जगह मिल रही है। और जाम की स्थिति में पता चलता था कि आदमी आधे आधे घंटे पौन पौन घंटे वो उसी में फंसा रहता था। आज की डेट में हर बस का नंबर अलॉटेड है और उसका जो भी चीज़ें हैं उसके विषय में जो भी इंफॉर्मेशन है आपको वो वहाँ पे जो भी स्पीकर्स लगे हुए हैं उससे आपको हर चीज़ मिलती रह रही है कि कौन सी बस किस समय आएगी, कितने बजे वहाँ से जाएगी और किस नंबर पे वो बस खड़ी है। मतलब कि वहाँ पे ऑलरेडी नंबर अलॉटेड हो गए हैं, किस नंबर पे वो बस खड़ी हुई है, तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। और यह जानकारी इसलिए भी दी जा रही है कि आदमी वहाँ पे अपडेट रहे कि भाई हाँ कितनी देर में वो बस आ जाएगी और कितनी देर में जाएगी। तो अगर वो उसके बीच में कोई अपना काम कोई निपटाना चाहता है तो वो अपना ज़रूरी काम उसके समय में वो कर सकता है। तो ये उनके लिए भी अच्छा है कि मतलब कि वो वेट कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जाम की स्थिति इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कोई चीज़ टाइम भी नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे उनके लिए अच्छा है कि अपडेट रहेंगे। और ये सारी चीज़ें SMS के थ्रू भी लोगों के अवेलेबल करा दी जाती हैं।